Hi guys, namaste, good morning and welcome back to my channel and I'm Suman. रिसेंटली मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया था तुलसी का ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हार्डकोर मेरे पास केस था कॉन्स्टिपेशन का। मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड करे, मैसेजेस रीड करे और वहाँ पे कंक्लूजन निकला कि आज की वीडियो मुझे बनानी चाहिए स्पेशली रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन, जिसकी हेल्प से आपका जो वेट तो जाएगा साथ साथ आपका फेशियल पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम या मेजर आपको अल्सर रहते हैं स्टमक में वो भी आपके सॉल्व होंगे। तुलसी ने लूज़ किया है 26 टू 28 केजीज इन लेस देन 4 मंथ्स एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ उनका जो वेट है वो बैलेंस भी रहा है 2 साल तक। और कॉन्स्टिपेशन का इशू, जैसे मैं हर चीज़ में बताती हूँ कि अपना लाइफस्टाइल समझो, अपना लाइफस्टाइल खुद से इम्प्रूव करो, सो उनका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो लास्ट 2 ईयर्स से बिल्कुल भी नहीं आया। बिकॉज उनको समझ आया है कि उनकी डाइट में क्या चीज़ें जानी चाहिए, किस तरीके की चीज़ें उन्हें खानी है और कौन कौन से नेचुरल लिक्सेटिव को उनको अपनी डाइट में ऐड करना है। तो स्टार्ट करते हैं तुलसी का डाइट एंड स्टार्ट करते हैं मेजरली कॉन्स्टिपेशन का डाइट, जिससे हेल्प मिलेगा आपको लूज़ करने में वेट बहुत ज़्यादा। बट पॉइंट ये आता है कि जब भी हम डाइट कर रहे होते हैं, किसी भी टाइप का डाइट हम पिक करते हैं, हमारा वेट लॉस बहुत अच्छा चल रहा होता है, फिर एक जगह पे वेट स्टक हो जाता है, उसका मेन रीज़न यहाँ पे आता है कॉन्स्टिपेशन। इट मींस कि आपका जो वेट है, वो जो आपका बॉडी है वो अच्छे से फ्लश ऑफ नहीं हो रही है। स्वेलिंग आना, स्टमक में ब्लोट होना, ये बहुत ही आम चीज़ें हैं। गैस्ट्रिक होना, खटे डकार, फार्टिंग, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं ह्यूमन बॉडी की। सो पॉइंट इज़ इन सबको क्योर कैसे करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं हम ये डाइट, बट उससे पहले कुछ मेजर चीज़ें। नंबर 1, चेक योर वेट एवरी डे, एवरी सिंगल डे, बिना पानी पिए हुए, सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद विदाउट क्लोथ्स। अगर आपको सुबह बॉल मूवमेंट क्लियर नहीं है, जस्ट पास योर यूरिन एंड रिमूव योर क्लोथ्स। सेकेंड इज स्लीपिंग पैटर्न। कॉन्स्टिपेशन क्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छी नींद। नींद लेना बहुत ज़रूरी है आपको 7 से 8 घंटे की। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपने मील्स के टाइमिंग्स को मैनेज करो। टाइमिंग्स बिल्कुल ध्यान से रखने हैं, लंबा गैप होने की वजह से आपको गैस्ट्रिक आएगा और कॉन्स्टिपेशन आएगा। एंड अनदर चीज़, स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन देता है। अगर आप बहुत ओवर थिंक करते हो, ओवर स्ट्रेस करते हो, ओवर एक्सर्ट करते हो, गुस्से में रहते हो, आपकी बॉडी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगी ही करेगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से, जो कि हेल्प करेगा आपको, नेचुरल लिक्सेटिव देगा एंड जिसकी हेल्प से आपके बाउल मूवमेंट्स क्लियर होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग ड्रिंक। टाइमिंग क्या रहेगी, 7 से 7:30 बजे के बीच। ओके, सो ये है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है अंजीर और इसके अंदर है किशमिश। 2 अंजीर और 10 किशमिश मैंने 1 गिलास पानी में सोख करके रखा है एंड ये मॉर्निंग में उठ के इसका वाटर जो है मैं पी जाऊंगी। और इसके जो नीचे के हमारे अंजीर हैं जो सोख हो चुके हैं एंड किशमिश हैं वो हम च्यू करके खाएंगे। ना तो इसे हमें गर्म करना है, ना हमें इसे ठंडा पीना है, हमें इसे जस्ट एज इट इज़ जो नॉर्मल वाटर है इसको हमें कंज्यूम करना है। सो ये है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। नाउ अब हम बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक के बाद ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट के अंदर मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, आप जौ का आटा, बहुत हाई फाइबर होता है जौ के आटे में। जौ मींस बार्ले, बार्ले का आटा एंड वीट का आटा, इन दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे इसकी स्टफ रोटी। आप किसी की भी स्टफ रोटी बना सकते हो, प्याज की बना सकते हो, गोभी की बना सकते हो, मूली की बना सकते हो, आलू की बना सकते हो, घिया की बना सकते हो, गाजर की बना सकते हो, ब्रोकली की बना सकते हो या जुकीनी की भी आप स्टफ रोटी बना सकते हो। इन सब में से किसी भी चीज़ को कंबाइन करके आपने 2 स्टफ रोटी खानी है, साथ में कोई सूखी सब्जी खानी है। एंड मेक श्योर अगर आप सिलबट्टे पे बनी हुई चटनी अगर बना पाओ तो बहुत ही बेस्ट है। नाउ चटनीज क्या करती हैं, आपको बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको फ्लश ऑफ करने में बहुत अच्छा काम करती है, साथ में आपके स्टूल को भी सॉफ्ट रखती है। एंड मॉर्निंग में जिन जिन लोगों को मिल्क टी एंड कॉफ़ी लेने की बहुत ज़्यादा आदत है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन केसेस में, आपको मिल्क वाला टी एंड कॉफ़ी को बिल्कुल काटा करना पड़ेगा, बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। आप कोई भी मिल्क टी एंड कॉफ़ी नहीं लेंगे, साथ में उसके साथ आप लेंगे एक प्रोबायोटिक। सो उसमें हम क्या लेंगे, हम लेंगे बाउल ऑफ कर्ड, बाउल ऑफ कर्ड, साथ में आपकी 2 रोटी, किसी भी चीज़ की स्टफ रोटी एंड कोई भी सूखी सब्जी आपकी चलेगी ब्रेकफास्ट के अंदर।
नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिड ब्रेकफास्ट की. नाउ मिड ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग रहेगा वो हमारा रहेगा 10:30 to 11 के बीच का. ओके, सो मिड ब्रेकफास्ट के अंदर का जो फ्रूट है वो हम यहाँ पे चूज करेंगे चीकू. नाउ चीकू जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल एक्सेटिव है. इसके अलावा हम ले सकते हैं कीवी. नाउ कीवी हम जो लेंगे वो लेंगे येलो वाली, ग्रीन वाली नहीं. और अगर आपके पास चीकू का ऑप्शन नहीं है या फिर कीवी का ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ पे लेंगे पपाया. सो बाउल ऑफ पपाया भर के अच्छे से, एकदम बिल्कुल गला हुआ पपीता. आपको रॉ पपाया नहीं खाना, उससे और कॉन्स्टिपेशन हमारा क्रिएट होगा. ओके, यहाँ पे अब हम बनाने जा रहे हैं लंच. नाउ लंच का हमारे टाइमिंग रहेगा 12:30 to 2 के बीच का. सो लंच बहुत क्विक एंड सिंपल है हमारे पास. सबसे पहले हमारे को चाहिए यहाँ पे, हम बनाएंगे दही चना चाट, और ये बहुत हाई प्रोटीन है. सेकेंडली ये बहुत फिलिंग है. थर्ड, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं आएगा. बहुत सारे लोग होता है चना दाल खाने से कॉन्स्टिपेशन आता है, इस रेसिपी के बाद कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा इस सैलेड के बाद. सो ये रहा हमारा 1 कटोरी बॉईल किया हुआ चना. इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे चॉप किए हुए टमाटर. एक टमाटर मैंने यहाँ पे डाला है. नेक्स्ट यहाँ पे मैं डालूंगी मेरा प्याज, इसे मैंने मिक्स करा है. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा प्रोबायोटिक दही. 2 चम्मच इतना मैं दही ऐड कर रही हूँ यहाँ पर. चलो तीसरा भी चला जाए. इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे दही को. नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालते हैं यहाँ पर हमारा थोड़ा सा नमक, बिल्कुल हल्का सा. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी मेरी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी. नेक्स्ट पिंच ऑफ हिंग पाउडर, और इन सबको खूब अच्छे से मैंने करना है मिक्स. ओके, अगर लंच में आपको ये वाला चाट नहीं खाने का मन कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो उसके अलावा आप ले सकते हो बहुत सारे रायते. मेरे चैनल पे बहुत सारे रायते हैं. पपाया है, अनार का रायता है, कुकम्बर का रायता है, घिया का रायता है, बाजरा का रायता है. आप इनमें से कोई भी रायता पिक कर सकते हो एज पर योर कम्फर्ट. बट अगर आपको रायता खाने का भी मन नहीं है, देन मेरे चैनल पे बतेरी टिक्कीज की रेसिपीज़ हैं. आप इनमें से कोई भी टिक्कीज प्रेफर कर सकते हो. कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है कॉन्स्टिपेशन की, बहुत ज़्यादा हमको लाइक स्टूल पास नहीं हुआ, 4 डेज हो जाते हैं, 5 डेज हो जाते हैं. कुछ लोग मेरे पास ऐसे मिले जिनको 10 दिन भी हो जाते हैं. सो पॉइंट इज, ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू टेक खिचड़ी. मेरे चैनल पे बहुत सारी खिचड़ीज की रेसिपी है, बहुत सारी. इनमें से कोई भी खिचड़ी ले सकते हैं, साथ में बाउल ऑफ कर्ड. नाउ मूव करते हैं हम इवनिंग टी. नाउ इवनिंग का जो स्नैकिंग का हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 4 to 5:30 के बीच में. इससे ज़्यादा डिले मत करना, कोशिश करना 4:30 तक इसको ख़त्म करने की. नाउ जो इवनिंग के स्नैकिंग में हम लेंगे फ्रेश वेजिटेबल जूसेस. प्रेफरेबल इज ग्रीन जूस. ये रहा ग्रीन जूस. ये जो जूस है ये बना हुआ है खीरों से. खीरों का जूस लेंगे, पालक का जूस लेंगे. मेरे पर चैनल पे बहुत सारे ग्रीन जूसेस की रेसिपीज़ हैं. इनमें से कोई भी एक आप ग्रीन जूस पिक करो और वो हम लेंगे. बट उसके साथ हमें लेना है खूब सारा सैलेड. ये मेरा सैलेड का बाउल है. मैं डेली लेती हूँ एक बाउल सैलेड का किसी ना किसी फॉर्म में. या फिर आप प्लेट ऑफ फ्रूट्स लेंगे, किसी भी टाइप का फ्रूट्स ले सकते हैं. या तो आप सैलेड लेंगे या फ्रूट लेंगे, साथ में 1 ग्लास ऑफ जूस. ये रहेगा हमारा इवनिंग के टाइम का. नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारा डिनर पे. नाउ डिनर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन में. अगर आप लेस कार्ब लोगे आपको मॉर्निंग में बाउल मूवमेंट पास नहीं होंगे, और अगर आप हाई प्रोटीन जाओगे तब आपको और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा डिनर में. सो हमको मिक्स एंड मैच लेके चलना है, ताकि हमारी सब्जियां भी साथ में जाए, हमारा प्रोटीन भी साथ में जाए, और उसके साथ साथ हमारे कार्ब्स भी थोड़े बहुत बीच में जाए. नेक्स्ट यहाँ पे डिनर में मैं यहाँ पे आपको दूंगी मेरी दाल और वेजिटेबल के सैलेड की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे है. दाल घिया सैलेड है, दाल पेठा सैलेड है, दाल सैलेड है जिसके अंदर खूब सारा प्याज टमाटर मैंने ऐड कर रखा है. अगर ये सब भी खाने का मन नहीं है आपका, देन यहाँ पे मेरे पास है चीला. आप कोई भी बेसन के चीले ले सकते हो डिनर में, जिसके अंदर खूब सारा प्याज टमाटर मैंने डाला हुआ है. उसके अलावा अगर आपको डिनर में कुछ भी लेने का मन नहीं है एंड यू फील लाइक कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग एंड ब्लोट, मेरे चैनल पे है शीरास की रेसिपीज़. बहुत यम्मी शीरास हैं. खजूर मिल्क है मेरे पास, सूजी का शीरा मेरे पास है, रागी का शीरा मेरे पास है, ड्राई फ्रूट्स का शीरा मेरे पास है, एंड उसके अलावा बहुत सारे शीरे की रेसिपीज़ हैं. एंड सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे अंजीर का मिल्क.
अंजीर की मिल्क मेरे चैनल पे रेसिपीज है, इनमें से कोई भी मिल्क आप पिक कर सकते हो, शीरा पिक कर सकते हो और अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। डिनर का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, 7 से 7:30 बजे का जो बीच का टाइम है वो डिनर का द बेस्ट है। नाउ डिनर होने के बाद अब हम बात करेंगे नाइट ड्रिंक की। सो नाइट ड्रिंक में मैं आपको क्या देना चाहूंगी, सबसे सिंपल चीज है जीरा टी। नाउ जीरा का जो पानी है, जीरा टी, जीरा मैं पिछले 7 साल से लोगों को बता रही हूँ, सिंपल प्लेन जीरे का पानी आपका कॉन्स्टिपेशन और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से क्योर करता है, साथ साथ आपको मेटाबॉलिक रेट भी बहुत अच्छा बढ़ाता है और आपके टॉक्सिन्स को बाहर करता है। सिंपल सा एक पिंच ऑफ जीरा लेंगे, 2 कप पानी में उबालेंगे, जब तक वो 1 कप हो जाएगा छान के उसे पीएंगे। तो ये है पूरा का पूरा हमारा डाइट। नाइट ड्रिंक तक हमारा जो टाइमिंग होगा 9:30 to 10, उसके बाद बाय बाय आप सो जाओ। इस डाइट को करने से बहुत सिंपल चीज़ है, आपका जो वेट लॉस तो होगा, साथ में इंच लॉस होगा एंड कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, ये वाले डाइट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी मिर्ची आपने नहीं डालनी, ना ग्रीन मिर्ची, ना वाइट मिर्ची, ना लाल मिर्ची, ना काली मिर्ची, किसी भी टाइप की मिर्ची स्पेशली इस डाइट में आपने नहीं ऐड करनी, ना ही कोई गर्म मसाला ऐड करना है। पानी का ध्यान रखना है, पानी आपने सिप सिप करके पीते रहना है, बॉडी को एग्जॉस्ट और डिहाइड्रेटेड बिल्कुल भी नहीं करना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी लथार्ज हो जाती है, थक जाती है और कॉन्स्टिपेशन देती है। सिप सिप करके पूरे दिन पानी पीते रहना है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। एंड जिन जिन लोगों को मैसिव कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, जो बहुत सालों से, बहुत टाइम से बहुत सारे चूर्ण या फिर गोलियों पे डिपेंड करते हैं अपने बाउल मूवमेंट्स को क्लियर करने के लिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि एक स्टेज पे लिवर पटाखा बोलेगा। आप इतना ज़्यादा उसको गोलियों और चूर्णों पर डालोगे वो पटाखा बजाएगा। सो याद, आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।